सबसे पहले आप हाथ जोड़ दें, गणपति को स्मरण करें। सुमुखश्चय गदंतश्चय कपिलो भुजकर्णक लंबोदरस्सवृत्तो विनाशो विनायक दण्डकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अप्रेक्षमानपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे न गमेतथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वर्धनं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नमद्दं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्गतस्ते साङ्पराजय येषामिन्दी वरिष्यामो मदेस्थोऽपि जनार्दन अभ्यसितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः शचिपुरन्दराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणीनिगर्भाभ्यां नमः शचिपुरन्दराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ स्वहस्तेन तिलकं कृत्वा कुमकुम से अपना तिलक करिए लाड पर। नमो शनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरूपाभावे सहस्रधाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारणे नमः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात् दाहिने हाथ में जल लीजिए और संकल्प कीजिए। विष्णु 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 भारतवर्ष वर्ष खंडे जन्मदीपे शालिवंशा के बौद्धावतारे समसे समन्वय को सम्मत 2052 चैत्र मास विष्णु क्रिया और व्याप्राप्त चिंतन दक्षिण से रखा सारण शकल मन इस कामना सिद्धर्थम लोके वासे बाहर आदि द्वारे सर्वत्र यशव जय लाभादि प्राप्तम सबाल से सपुत्र से सबान से अखिल कुटुंब सहित से सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु पराद्राम आयु आरोग्य धाम अमु गोत्रोत्पन्न हम अपना गोत्र बोलिए अमु शर्मा हम नाम बोली ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स सुंदरा सदा सिद्धि प्राप्ता निमित्तम गुरुमुखेन ताम अमुकताम पूर्णत्व ब्रह्म समर्पयेत जमीन पर जल छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामी नमः यज्ञ के सामने है इसको धारण कर लीजिए। यज्ञोपवीति परमेश्वर श्री लिंगों तारे विताम धारणे नियोग यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सजन पुरस्ताद आयुषमग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम तेजक साम तेनोपधियामी गले में पहन लीजिए। एतावन्न परतं ब्रह्म तुम धार्त मया जीर्ण त्याग प्रत्याग गच्छ सूत्र यथा सुखम। तत्रादो यंत्रम धारियेत जो आपके सामने यंत्र गुटिका है वो दोनों हाथों में ले लीजिए प्लास्टिक को खोल करके। यंत्र के ऊपर माला और गुटिका रख दीजिए। और मेरे सामने आप देखिए माला भी यंत्र के ऊपर रहेगी गुटिका भी रहेगी। आठ वक्षस्थल के सामने गले से नीचे और सीने से ऊपर यहां पर आठ रहेंगे और कमर सीधी रहेगी। ओम दीर्घाय त्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसाम सौंदर्यताम पूर्वाय तोस्मानम सकृति कल्लाटम मम समस्त नेत्रौ सा ललाटे ग्रीवायाम भद्रकाली जपसंसेनुदा पूर्वाय तो संवक्षस्थलौ सा स्तनौ एतोस्मानम सा पूर्ण यौवन प्राप्ताय निमित्तम स दीर्घो तोस्मानम सकृति नाभौ सा कल्याणम एतोस्मानम हृदय सा उदरो एतो अतो कल्याणम दीर्घम अतोस्मानम सकृति कल्याणतम पूर्णा सा पूर्णमेव अवशिष्टम पूर्वा सा चिन्तितम कल्याणम दीर्घो अतोस्मानम निधि पूर्वा तात्रमेव पूर्वा सा चिन्तितम कल्याणम पूर्वा सा देव अतो पूर्वा साक्षी भूता लक्ष्मी शर्वाणी दुर्गाने दीर्घ ओतोस्मान शिष्युत्तम सा पूर्ण योगम बल साहस तेजस्विता सौंदर्य अष्टातम अष्टांग योगम सा प्राप्त निमित्तम स पूर्णोत्तम एतोस्मान माल्य एतोस्म दीर्घ ओतोस्मान दीर्घ्याम कल्याण नमस्त सहसमूर्त सहस पादांग पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि धान न मनोवांचित कामना सिद्धथाय सा पूर्ण पूर्णदम पूर्णा पूर्णमुचिते पूर्णश्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते साम दीर्घो अतोस्वानम स कृते कल्याणतां मम ललाटे इंत्रो सा उद्रो अतोष्ठां पूजा हेतुस्वामी चिबुके ग्रीवायां सा हेतुस्वाम समस्तात्मिकर्णो सा अस्तौ बाहुभ्याम निर्गुम अस्तौ मिकम वीर्यम आत्मा क्षेत्रो मम पूर्व अतोस्वानम सम्माल्यम अमु गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोली अमु शर्मा हम ताम मम समस्त मनोवांछित कामना सिद्धाय धन यश मान पद प्रतिष्ठां व्यापार ऐश्वर्य भोग विलास प्रेम सौंदर्य पूर्णत्म प्राप्त निमित्तम समस्त मनोकामना हेतुस्मन कल्याणतम दीर्घ ओतुस्मन सातभ्यम इदमचितम भो ज्योति पूर्णा दरिपरा संपूर्णाम तुभ्यम इदमचितम भो ज्योति पूर्ण सातभ्यम संपर्दे। ये माला को लेकर के अपने गले में पहन लीजिए आप पहले।
फिर यंत्र और गुटिका के ऊपर कुमकुम लेप कर दीजिए पूरा पूरे यंत्र पर. दीर्घ तो स्थूलम ताव तीव्रोराव सकसा वंदिताम पूर्वा स चिंता सौंदरतम यथोस्मान सकृति कल्याणतम दीर्घो सा पूर्व पूर्वा यथोस्मान वक्षस्थलम सा पूर्णत्व प्राप्त नीत शीघ्र से शीघ्र कार्य सिद्धाय एतोस्मान पूर्ण नेतो ज्वला उज्ज्वला प्रतिष्ठा पूर्वा सा चिंत्यामी प्रत्योस्वाम दीर्घो यथोस्मान सत ब्रह्मचरम बोजति पूर्णा देवराम यदिचरमा जाति कल्याणतम सक्रिय विवायाम. इस कुमकुम को गले पे लगाइए. तत्रादो पूर्ण आयतोस्मान पूर्व आयतोस्मान हृदय और हृदय पर वक्ष स्थलों सा पूर्व आयतोस्मान नाभो तदादो ललाटे सा लाटे पूर्व आयतोस्मान अदरोष्ठाम पूर्व ललाटे साम शिखायाम सा कल्याण तम दीर्घ उतुष्मान सम त्रिपुंड काराम हेतुस्मान सा कुंती कल्याण तम दीर्घ उतुष्मान सा समस्त हृदय हेतुस्मान समस्त पूर्ण शरीर सा कुमकुम लपे. इसके जो कुमकुम है पूरे शरीर पर आप लेप कर दीजिए पांवों से लगा करके और हाथों में और पीठ में भी. फिर यंत्र को गुटिका को ले लीजिए. अब मैं मंत्र बोलूंगा और आप मन में सोचते रहेंगे ये मेरे काम होने चाहिए. फिजिकली स्वास्थ्य संबंधी भी पारिवारिक संबंधी भी और आर्थिक संबंधी भी और आध्यात्मिक संबंधी भी जो भी आप देखेंगे मेरी तरफ मन में चिंतन हुआ करेंगे मैं मंत्र बोलूंगा. ये मंत्र का प्रभाव और आपके मन में थिंकिंग का प्रभाव आपस में सामंजस्य होना चाहिए यह है. मगर दृष्टि नहीं है दृष्टि में तरफ रहे. ओम पूर्णा बिर्भराम पूर्णा पुनराधिका मूर्ति गुण सतकृत हो सा चित्त मिधि कल्याणतम दीर्घ आत्मान स पुति कल्याणतम दीर्घ श्याम सातभ्यम गोत्रेभ्यो शर्माभ्याम ताम पूर्व समस्त शिष्यणाम उपस्थित शिष्यणाम ताम पूर्णताम तिरुत्मा अप्सरा दीक्षायाम एतुष्मान समस्त रोग शोक दुख दारिद्र कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुख सौभाग्य धन धान्य ऐसे प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धय ताम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम मनोवांछित कामना सिद्धाय सात अभिवर्चन भौतिक आध्यात्मिक तापस तामसी एतस्मान शक्ति के नाम तम दीर्घो एतस्मान शक्ति के नाम दीर्घो सा चिंता पूर्ण तभी प्राम पूर्ण पुनः वस्त्र घाम ऊर्ज गुण सकृत हो चित्ति जीव मन सकृत देव अय्या गुण निधि उत्तरा रितावृद पति विशेष भुवन जीवन विक्रमणी विश्वाहादा बेगुम अभि सप्ताति अग्नि समुदा सतिवाह सुदाम प्रियाण श्रोत्रा दोनों नेत्रों को गुटिका और यंत्र को लेकर के अपने सामने रख दीजिए. 21 दिनों तक गुटिका और यंत्र आपके घर में रहेंगे. मैं मंत्र उच्चारण करवा रहा हूं. बोले ओम रीम रीम सौंदर्योत्तमा अप्सरा पूर्ण शुद्धये रीम रीम फट ओम रीम रीम सौंदर्योत्तमा अप्सरा पूर्ण शुद्धये रीम रीम फट ओम रीम रीम सौंदर्योत्तमा अप्सरा पूर्ण शुद्धये रीम रीम फट ताम पूर्णताम हेतु स्वानम पूर्ण गुरुमुखेण मंत्र प्राप्त सातभ्यम संपर्त दे. ये इस यंत्र के सामने केवल 7 दिन मंत्र जाप करना है. जो आपको माला मैंने दी इस माला से इसी माला से मंत्र जाप करना है. एक माला मंत्र जाप करना है सुबह. रात्रि को माला मंत्र जाप नहीं हो पाएगा. सुबह होना आवश्यक है. और 7 दिन अलग अलग इच्छाओं का संकल्प लेकर के करोगे. आज जो चिंतन किया है वो कल नहीं करोगे, कल दूसरा. जैसे आज मैंने कहा मेरा पूर्ण पूर्ण आयु हो, दूसरे दिन कहेंगे पूर्ण पारिवारिक सुख हो, तीसरे बार कहेंगे मुझे पूर्ण सौंदर्य प्राप्ति हो, चौथे दिन और कोई इच्छा, पांच दिन और इच्छा, छठे दिन और इच्छा, 7 दिन और इच्छा. तो 8वें दिन इस यंत्र को और माला को नदी में या तालाब में विसर्जित कर देंगे. उसमें सामने अगर घी का दीपक हो और शास्त्रों में ये लिखा है कि अपने कान में इत्र गुलाब या हीना या और कोई इत्र लगा करके और शरीर पर इत्र थोड़ा सा लगा करके फिर मंत्र जाप करें तो पूर्ण और जल्दी सफलता सिद्ध प्राप्त होती है. थोड़ा सा इत्र दिया और लगाया तो शरीर में लगा दे. जैसे अभी आपने कुमकुम लगाया है ऐसा लगा दे. दीपक लगे या नहीं लगे इतना अनिवार्य नहीं है. इत्र बाजार में मिल जाता है छोटी सी, चाहे वो होना चाहिए हीना
का इत्र या गुलाब का इत्र, तीसरे कोई किसी प्रकार का इत्र काम में नहीं आएगा। गुरु प्रार्थना, तत्रादौ मम गृहे मम शान्ते पूर्णं गुरुम् आवाहयामीं समर्पयामि नमः। आवो देवास इमहे वामं प्रतिदरे, आवो देवास आशिवो जगदीयासो हवामहे, गुरुम् आवाहनं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पय दधि दुग्ध घत मधु शर्करां स्वां पञ्चामृतानं समर्पयामि नमः। शुद्ध शरीरम ओम शुद्धवाल शुद्धवालो मणिवालस्तास्मिन् श्वेता श्वेताक्षो नमस्ते रुद्राय पशुपते कृणां जावाम अवलिप्ता सोदुम शुद्धस्थानम समर्पयामि नमः। तत्रादौ गुरुमुखेण कुंकुम विलिप्य कुंकुमान्ते चिन्नम समर्पयामि नमः। चिन्नान्ते वस्त्रम वस्त्रान्ते वस्त्रम समर्पयामि नमः। ग्रीवायां तत्रादौ पुष्पमाल्यम समर्पयामि नमः। इत्रम सुगंधम अबीरम गुलालम सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि नमः। नैवेद्यम समर्पयामि नमः। नैवेद्यान्ते जलम प्रक्षेप इलांते दक्षिणाम समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते प्रार्थना यायाम प्रपंचपेद तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु अनियाम पूज्याम संगाय सविवाय सायुधाय सरक्तिकाय महाकृतुभ्यं समर्पयेत। इस साधना की विशेषता यह है कि प्रत्येक प्रातः काल यदि आप करें या रात्रि को 10 बजे के बाद करें, दोनों समय, या फिर 10 बजे के बाद करें 10 और 11 के बीच में, या प्रातः काल सूर्योदय से पहले करें, तो सूर्योदय से पहले आप नहीं उठ पाए कर नहीं कर पाए, उसमें आपको प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दृष्टिगोचर होगा ही। पहले दिन भी गोचर होगा, लगेगा कुछ दिखाई दिया, लगेगा कुछ पास में बैठा, लगेगा कुछ बातचीत कान में सुनाई दी, लगेगा कुछ हाँ भरी गई, लगेगा कुछ वार्तालाप हुआ और आप चुपचाप बोल रहे हैं सुन रहे हैं। यानी ऐसा एक दिन भी नहीं जाएगा जिसमें आपके कुछ घटना नहीं घटित हो उस साधना काल में। उस साधना काल में जो कुछ घटित हो वो केवल अपने कागज या कॉपी में अंकित कर दें, केवल आप किसी को बताए नहीं। और आठवें नवें दिन जब आप मुझे मिले तब आपको जो अनुभव हुए हों वे केवल आप मुझे बता दें, मैं आपको बता दूंगा कि आप सफलता में क्या करना है, आगे किस प्रकार से इसको हमेशा के लिए अपने पास सिद्ध रखना है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल तजुर्बे के आधार पर ही मैं आपको गाइड कर सकूंगा। इसलिए जिस दिन मैं प्रोवाइड कर दें तब फिर आप मुझे कॉपी लेकर के मिलें, मगर अनुभव जरूर होंगे डेली, चाहे किसी प्रकार के अनुभव हों, सबको एक अलग अलग प्रकार का, मुझे अलग प्रकार का अनुभव होगा, आपको अलग प्रकार का होगा, आपको अलग प्रकार का अनुभव होगा। किसी को सुगंध सी प्रभावित होगी जैसे पूरे कमरे में गुलाब 10 मन गुलाब बिखेर दिए गए हों, किसी को ऐसा लगेगा जैसे घुंघरू की आवाज आ रही है, कोई नृत्य कर रहा हो, किसी को कुछ और ढंग से दृष्टिगोचर होगा, किसी को दृष्टिगोचर हो सकता है अलग अलग, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि मनजाप करें या माला मनजाप करें अगर अनुभव हो ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तो फिर आप किसी को बताएं नहीं, एक डायरी में आप नोट कर लें और फिर आठवें नवें दसवें दिन जब भी मुझे मिले मुझे वो बता जरूर दें, जिससे कि मैं बता दूं कि यहाँ अब थोड़ा सा पेज आपको इतना सा और रह गया है। आप दोनों हाथ खोल दें, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतमूर्था शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम यस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेधृण ब्रह्म वाक्स्तान्त्यम् हनन्तीं तशत्रुवान् अक्षतां प्रस्तुत्यम् हनन्ति येनरा चत्वारो वृत्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्वचश्मायुष्म आरोग्यम् आदत्मानम् महिते धान्यम् धनं पुष्पतलाभम् सत्संगसरं दीर्घमायुः। अब चावल आप ले लें जो आप सामने पड़े हैं और गुरु की तरफ आप फेंक दें। ओम अक्षम नमी मंदा प्रिया मधुखता स्तोखता सुभान वो प्राण श्रीयामती पूर्वाय तो स्मानम पूर्ण सफलता प्राप्त निमित्तम सचैतन्यम परिपूर्णत्व प्राप्त तुभ्यम समर्पयेत। हाँ जी बोल दीजिए। आगार्थिक किम समर्पयामि नमः। आरती खड़े हो जाए।